हे गाइस, वेलकम टू मनी वीडियो वंस अगेन। और मैं आपका लंबू भाई हमेशा की तरह। तो आज मैं जा रहा हूँ राउरकेला, थोड़ा वहाँ पर काम है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में। तो मैं एक्चुअली जा रहा हूँ कि वहाँ थोड़ा पूछना पड़ेगा, मतलब एडमिशन अभी तक चालू है कि बंद हो गया, क्योंकि अभी दशहरा छुट्टी हो गया। जो मेरा भाई और बहन जो है, इनका एडमिशन जो होने वाला था थोड़ा सा मिस हो गया, तो आज मैं उसी के लिए जा रहा हूँ। देखता हूँ अगर मेरी कजिन सिस्टर मिल जाती है तो उसके साथ जाएंगे, क्योंकि वो वहीं पर क्लास करती थी, मतलब कॉलेज करती थी प्लस टू। तो वो भी बोल रही थी कि प्लस थ्री वहीं पर करेगी, तो जाके देखते हैं। क्या बोलो फिर, अभी तो 10 बज रहा है तो धूप भी थोड़ा दे रहा है, तो निकलता हूँ ज़्यादा लेट नहीं करते हुए। और आइए फिर थोड़ा देखते हैं आज का दिन, और घुमाता हूँ आपको थोड़ा राउरकेला में। आइए। हे गाइस, तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं राउरकेला। तो मुझे काम था यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज में, तो मैं यहां पर हूं अभी पनपोस। लेकिन ब्रिज पार करने बहुत मुश्किल लग रहा था यार, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ था ना, बड़ा बड़ा गाड़ी था, पूरा अंदर अंदर से घुसा घुसा के पार किए, बहुत मुश्किल लग रहा था। तो मैं पहुंच चुका हूं कॉलेज के बाहर हूं, मतलब दूसरे साइड पर, आप देख सकते हो। तो ये है कॉलेज का मेन गेट, आप देख सकते हो। तो मैं इधर हूं, तो मुझे राउंड मार के जाना पड़ेगा, उधर से क्रॉस करके आना पड़ेगा इस साइड पे। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हुए जाते हैं यार, बहुत तेज धूप दे रहा है। क्या बोलो फिर, तो जाता हूँ, पहले मेरा काम कर रहता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा शेयर करूँगा अंदर का, अगर व्यू मतलब परमिशन मिलेगा तो, क्योंकि अभी दशहरा छुट्टी हुआ है ना तो बोल नहीं सकते। तो आइए फिर। जो मेरी कजिन सिस्टर आने वाली थी वो तो आई नहीं, बोल रही थी कि थोड़ा काम है, तो मैं ही जाके पूछ लेता हूँ अंदर। गाइस, तो अनफॉर्चुनेटली मेन गेट पर ताला लगा है यार, आप देख सकते हो, पूरा चेन से ताला किया है। तो मैं कोशिश करूँगा अगर दूसरा कोई गेट है तो अंदर जाने के लिए। पीछे है शायद, तो मैं चेक करके लेता हूँ। तो गाइस, मुझे दूसरा रास्ता मिल गया, तो आप देख सकते हो इधर ये है। तो यहाँ पर खड़ा था मेन गेट से थोड़ा सा आगे है ये, मतलब हाँ सामने है। इधर लेट नहीं करते हैं, मैं थोड़ा अंदर जाता हूँ। गाइस, तो मैं कंपास के अंदर हूँ, आप देख सकते हो। तो इधर साइड पर कुछ मतलब है, और पीछे देख सकते हो जा कॉलेज कैंटीन, उसके बाद अब फ्रंट पे देख सकते हो कॉलेज। डिजाइन तो अच्छा दिख रहा है, मस्त है। अब पीछे देख सकते हो गार्डन जैसा है कुछ सामने, और देखते हैं और क्या क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हो कुछ प्रोग्राम होता है, इधर स्टेज भी है और मस्त है, मतलब बैठने के लिए कुछ प्रोग्राम वगैरह करने के लिए। तो इधर गार्डन है जैसे लगता है, मतलब अंदर में कुछ लगाए हुए पेड़ पौधे। तो इधर कॉलेज कैंटीन। तो मेरा काम तो हो गया, बस यूं कर ही करना था। तो यहाँ जो प्यून था वो बोले कि फिर से ऑनलाइन करना पड़ेगा अभी, और वो जो रिजल्ट है दशहरा के बाद निकलेगा, उसके बाद एडमिशन होगा। तो जाते हैं। इधर आप देख सकते हो कॉलेज का मेन गेट, इधर एक रास्ता है, तो मैं आया था इधर से। तो और क्या बोलें, चले नेट पार्लर ऑनलाइन करने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ फिलहाल इस बार तो हो जाएगा, और वैसे भी बहुत दूर पड़ा था यार, बुरला में गिरा था, तो उतना दूर जाने के लिए भी थोड़ा मुश्किल होता। तो इस बार कोशिश कर रहे हैं सामने सामने गिराने के लिए, मतलब जहाँ पर हॉस्टल अवेलेबल हो सकता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ, पहले अपना काम कर लेता हूँ। चलिए फिर। सॉरी गाइस, यहाँ ऑनलाइन नहीं कर सकता यार, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मैं चलूँगा सर भाई के पास, उसको बोलूँगा ऑनलाइन करने के लिए, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। चलते हैं डायरेक्टली घर। इधर थोड़ा सा आगे पनपोस रेलवे स्टेशन है, देख सकते हो, बोर्ड भी दिख रहा है, मतलब जाने पर किसी जगह बहुत ज़्यादा, देख सकते हो। अभी थोड़ा खाली हो गया है, अभी नहीं है,
गैस तो मैं पहुंच चुका हूं सगर भैया के घर फिर से। तो अंदर जाके देखते हैं क्या कर रहा है, नहीं तो देखेंगे अगर अभी हो पाएगा तो अभी ऑनलाइन कर देंगे, नहीं तो कल भी आ सकते हैं सुबह, क्योंकि अभी ये शाम को थोड़ा प्रोग्राम है तो वहाँ जाने का प्लानिंग है, अगर टाइम मिलता है तभी कर देंगे, पहले उसके पास जाते हैं। तो गाइस भैया तो रेडी हो रहा है जाने के लिए, मतलब प्रोग्राम में देख सकते हो गाड़ी बाहर खड़ा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कल सुबह ऑनलाइन करने के लिए, मतलब जो मेरा काम है कल सुबह, आज थोड़ा बिजी है तो मिलते हैं शाम को। तो हम दोनों निकले अभी जाने के लिए, अब देख सकते हो उधर प्रो भाई। तो हम दोनों निकले तो ऐसे ही आ रहा है, तो देखेंगे कल सुबह अपना काम क्लियर कर देंगे, फिर कल शाम को भी प्रोग्राम है तो आइएगा। कुछ बोलना चाहोगे? क्या बोलेंगे, जा रहे हैं समीर भैया के घर डायरेक्ट ना, डायरेक्ट मंगनी गए थे, अब उसका बड़गोतिया है, सुबह ही जाना चाहिए था लेकिन गया था। मैं तो भगा हुआ था, सुबह ही जाना चाहिए था लेकिन हम लोग लेट कर दिए, तो अभी 2 बज रहे हैं, अभी जाएंगे बस खाने के लिए देख कितना भूखा है आ रहे तो अभी खाना ही मिलेगा ना, प्रोग्राम तो खत्म हो गया होगा। नहीं होगा तो स्टार्ट होगा, चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय, तब तक के लिए।